हाय व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों देखिए, इस वीडियो में मैं आपके लिए बिल्कुल लेटेस्ट डिज़ाइन नेक का और स्लीव्स का लेकर आई हूँ। और ये मैंने पूरी गोल कुर्ती गोल दामन के साथ सिली हुई है और इसको मैंने शरारा के साथ डाला हुआ है। तो इस वीडियो में आपको फुल स्लीव्स डिज़ाइन का बताऊँगी कैसे बनाने और नेक डिज़ाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले अपना नेक डिज़ाइन बनाना। तो देखिए दोस्तों, उसके लिए मैंने ये 10 इंच का पहले कपड़ा ले लिया है। उसकी चौड़ाई मैंने 8 इंच लगभग रख ली है और इस पर देखिए लेस इस तरीके से मैं लगा रही हूँ। दोस्तों मैंने 8 इंच तो कपड़ा का वो चौड़ाई रखा है, लेकिन इसको हमें सिलते सिलते 5 या 4 इंच के गैप तक लेकर आना है। जैसे देखिए इस तरीके से पहले मैं लेस फोल्ड कर रही हूँ, तो इसमें हमारा हाफ मार्जिन जाएगा। फिर हम पिन टॉक लगाएंगे तो उसमें हमारा मार्जिन चला जाएगा, तो हमारा कपड़ा जो है कम होता चला जाएगा कपड़े की चौड़ाई। तो देखिए लेस को इस तरीके से पहले बिठा लेना है। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारा दोनों साइड का लेस सेट हो गया है। अब इस पर पिन टुक के लिए हमें सिलाई लगानी है। देखिए पतली पतली इस तरीके से, ये देखिए पतली पतली सिलाइयाँ लगाकर अपने डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेंगे। ये मैंने वीडियो को फास्ट कर दिया है दोस्तों, ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइम ना लगे देखने में। देखते देखते ऐसा होता क्या है कि इंसान बोर हो जाता है तो फिर स्किप कर देता है। तो स्किप करने से अच्छा है कि आप इसको जल्दी जल्दी फास्ट वीडियो में देख लें, ताकि कोई स्टेप या कुछ आपको ना समझ आए। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको क्लियर हो जाए सारे स्टेप्स स्टेप बाई स्टेप। तो ये देखिए 5 पिन टुक मैंने अपने इसमें ऐड कर लिया है, हाफ हाफ इंच का गैप देकर। ये देखिए, और ये हमारा जो इसकी लेंथ है लगभग 5 इंच के बराबर है। तो ये देखिए, अभी हमने सूट का नेक के पोर्शन ले लिया है, नेक का डिज़ाइन जहाँ पे हमें ये डिज़ाइन अपना सेट करना है। तो ये देखिए इस तरीके से फोल्ड करके पर निशान लगा लेंगे अपना कि हमारी लेंथ कहाँ तक रखनी है हमको, और बीच बीचों बीच निशान लगा लेंगे कि हमारा जो डिज़ाइन है खिसके ना इधर से उधर। और जो डिज़ाइन जो हमने प्लेटें बनाई थी उसको भी बीचों बीच डालकर इस तरीके से निशान लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे और फिर मैच करते हुए अपना साइड्स के बीच में हमारा डिज़ाइन सेट हो रहा है या नहीं अपना सिलाई लगा देंगे। दोस्तों इसको बीचों बीच ही हमें सेट करके लगाना है। अगर आपको थोड़ा सा भी इधर से उधर गड़बड़ हो जाता है, तो आप निशान पर अच्छे से ध्यान दें, निशान अच्छे से लगाइए, ताकि क्योंकि बाद में जब हम पहनते हैं ना सूट, तो इधर से उधर हो जाता है, कभी लेफ्ट साइड ज़्यादा भागने लगता है, कभी राइट साइड, तो ऐसा ना हो इसके लिए हमें ध्यान से इस चीज़ को एडजस्ट करना है। तो ये देखिए हमारा कम्प्लीट हो गया। इसको देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया, कितना प्यारा सा लुक अभी से ही आ रहा है दोस्तों। अब इस पर हम नेक डिज़ाइन के लिए पाइपिंग वाली डोरी वाला नेक डिज़ाइन बनाएंगे। तो पहले कटिंग कर लेते हैं अपने नेक के लिए। ये देखिए 4 इंच की हम नेक लेंगे, क्योंकि ये हम बोट नेक वैसे नहीं बना रहे हैं, हमारा गला और छोटा होगा, जो डोरी लगेगी वो बनकर तो और कम हो जाएगा, 2 इंच का बच जाएगा हमारा साइड से चौड़ाई। और लेंथ भी हमारी लगभग 3 इंचों की, ये हमने 5 इंच लेंथ लिया और 4 इंच की चौड़ाई लिया। तो ये देखें वैसे गला हमारा शॉर्ट ही रहेगा। तो इस तरीके से पहले गोल कटिंग कर लिया मैंने, और ये डोरी मैंने बना ली है पट्टी सी डबल फोल्ड करते हुए, और इसको कटिंग कर लेंगे 2 इंच की लगभग। दोस्तों हमारे डिज़ाइन, अगर आपको कोई स्टेप नहीं समझ आ रहा है, तो आप प्लीज़ वीडियो को स्किप करके देखिए थोड़ा सा बैक साइड, तो अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि मैंने हर स्टेप को स्टेप बाय स्टेप बताया आपको। और वैसे कुछ ना समझ आए तो आप दोबारा वीडियो देख लीजिए। और ये देखिए, ये जो हमने कटिंग किया हुआ था अपना गले का, उसका जो रफ़ कपड़ा बचा होता है उसको पहले एक पेपर पर लेकर इस तरीके से निशान लगा देंगे उसके नीचे का। तो ये देखिए, ये मैंने गले के शेप में निशान लगा दिया। अब इसको एक छोटा सा और निशान लगाएंगे जहाँ तक हमें अपनी डोरियों को रखना है जिस शेप में। इस पर हम अपना नेक का ये जाली वाला डिज़ाइन डालेंगे डोरियों से इस तरीके से। देखिए जैसे मैं डाल रही हूँ सेम टू सेम मेथड में मैं सारी पाइपिंग्स डालते जाएंगे। यहाँ पे फिर मैंने थोड़ा सा और वीडियो को स्पीड में डाल दिया है, क्योंकि ये भी सेम मेथड से ही है, तो फिर आपको देखने में ज़्यादा बोर सा ना हो जाए आप। और दोस्तों मेरी वीडियोस कैसी बनती है नहीं बनती, या फिर मैं इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करूं, अगर आपको कुछ ऐसा आइडिया हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए।
और ये डिज़ाइन को अगर आपको बहुत अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, नए सब्सक्राइबर, ज्वाइन हो जाइए हमारे साथ ऐसे और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए। तो ये देखिए, एक साइड का हमारे कम्प्लीट हो गया। अब दूसरे साइड भी इसी तरीके से निशान जो हमने लगाया था उसी साइड वहीं पर अपना इस तरीके से सेट करते जाएंगे अपने डोरियों को। देखिए इस तरीके से सेम मेथड से ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों बनने के बाद। काफ़ी ज़्यादा ही लेटेस्ट ट्रेंडी कुर्ती टाइप का डिज़ाइन है और ये सिंपल ब्यूटीफुल नेक, गर्लिश नेक है जो गर्ल्स होती हैं कॉलेज वेयर या फिर स्टूडेंट्स होते हैं इनके लिए। ये ज़्यादातर कुर्ती के लिए ही है डिज़ाइन हमारा, कुर्ती के नेक के लिए। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा नेक की कटिंग करके ही हमने तैयार कर लिया। अब इस पर उरेवी पट्टी हम इस तरीके से जॉइंट करेंगे। उरेवी पट्टी लगाकर हम आगे वाली जो साइड है उसको पलट कर फिनिशिंग लगा देंगे। तो ये देखिए हमने उरेवी पट्टी कंप्लीट कर लिया। ये हमने 1.5 इंच की काटी थी, 1.5 इंच की। अब इसको देखिए इस तरीके से यहाँ पर जॉइंट करेंगे। पहले उल्टा साइड रख लेंगे अपना जो हमने डिज़ाइन बनाए उस पर और इस तरीके से लगा देंगे पूरा। ये देखिए सेट करते हुए जाएंगे ऐसे। यहाँ पर दोस्तों उरेवी पट्टी ही लगाइए तो आपका ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। और ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से हल्की हल्की कटिंग मार देंगे, हल्की हल्की कटिंग दे देंगे ताकि हमारी जो पलटकर पट्टी की सफाई हो वो बहुत अच्छे से आए। अगर हम कटिंग नहीं देते तो हल्की हल्की सी झोल आने लग जाती है। ये बिगनर्स को काफ़ी ज़्यादा नहीं पता होता है दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, बिगनर्स हैं, तो इस स्टेप्स वगैरह को, ये जो ट्रिक्स मैं बता रही हूँ छोटी छोटी, आप इसको ध्यान से देखें दोस्तों। मैं हर वीडियोज़ में अपने छोटे छोटे ट्रिक्स बताती रहती हूँ कि कैसे क्या करें, कहाँ पर क्या करना चाहिए, तो ताकि आपसे आगे या आने वाली जो आपके नए डिज़ाइंस होंगे उसमें कोई गड़बड़ ना हो और आप अच्छे से सिलाई भी सीख जाएं। और ये देखिए, ये मैं तो स्टेप का वीडियो बनाना ही भूल गई। यहाँ पर भी जो हमने गले की कटिंग करी हुई थी उस पर उरेवी पट्टी लगाकर हमने पलट दी है और इसी तरीके से जैसा हमने वो वाला पार्ट किया था सेम है, पीछे इसको पलट देना है। सॉरी मैं इसका वीडियो नहीं बना पाई, मिसिंग हो गया थोड़ा सा, तो कोई नहीं। बट अगर आपको आती है सिलाई तो आप कर सकते हैं, और न्यू है तो भी आप सेम मेथड से कीजिए जो मैंने इसमें उरेवी पट्टी पलट कर की थी। तो देखिए इस तरीके से, या फिर जैसे आप अपना नेक बनाती हैं गोल नेक वैसे बना लीजिए सेम, और इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट कर दीजिए। इसको सिलाई लगा देंगे, लगा कर देखिए इसी के बराबर होना चाहिए हमारा, क्योंकि हमने इसी के बराबर से कटिंग करके निशान लगाई थी जो पेपर पे हमने निशान लगाया था। तो देखिए मैंने इसको सिल लिया है और इसका कागज़ जो है अब उसको निकाल देंगे, हमारा डिज़ाइन का लुक आ जाएगा। ये देखिए सारे कागज़ को निकाल दीजिए अच्छे से। ये देखिए हमारा नेक का डिज़ाइन कितनी फिनिशिंग से सफाई होकर बन गया और कितना प्यारा सा डिज़ाइन आया ये कुर्ती का हमारा। इस पर हम डबल सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर से फिर, ताकि जो हमारी डोरियां हैं वो हल्की से भी बाहर या थोड़ी सी कमज़ोर हो तो वो निकले ना दोबारा धुलाई वगैरह पे या ऐसे। तो ये देखिए कितना कम्प्लीट होकर कितना प्यारा सा लग रहा है हमारा लुक, गर्लिश नेक है ये। और चाहे तो आप बीच बीच में बटन्स भी यूज़ कर सकते हैं बटन लगाकर, बट मैं इसको सिंपल ही रखना चाहती हूँ तो मैं तो सिंपल ही रखूँगी। आपको अगर बटन लगाना है बटन का यूज़ कर सकती हैं आप। अब ये देखिए ये हम स्लीव डिज़ाइन बना रहे हैं, हमारा नेक डिज़ाइन तो कंप्लीट हो गया, ये हमारा पार्ट टू स्लीव डिज़ाइन है। तो इस पर ये देखिए इस डिज़ाइन से हम अपने बाजू को कंप्लीट करेंगे। ये मैंने बाजू की लेंथ टोटल 16 इंच कटिंग वाली ली है, लेकिन हमें इसको टोटल 18 रखना है। ये मैंने एक्स्ट्रा 1 इंच लिया है, ये जो हमारे आगे जॉइंट होगा वो बढ़ जाएंगे 2 इंच, और ये हमारी अभी 4 इंच है। ये देखिए यहाँ से भी हम एक सिलाई लगाएंगे, नीचे से भी एक सिलाई लगाएंगे, सारा गैप माइनस माइनस होकर हमारा टोटल 18 इंच बचेगा। और आप अपने हिसाब से जितनी सिलाई लगाना चाहती हैं, सॉरी जितना लंबाई रखना चाहती हैं ले सकती हैं। इस तरीके से देखिए राउंड शेप में कटिंग कर आप इसकी 4 वो बना लें, 4 दोनों बाजू के लिए। और इस तरीके से लेस लगा दीजिए, पहले फोल्ड किया हमने जो अभी मैं दिखा रही थी आपको वो मैंने फ़ोल्ड किया, उसके ऊपर से मैं लेस लगाऊंगी ये वाला डिज़ाइन। इस लेस से हम अपना डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे दोस्तों।
ये लेस काफ़ी डिज़ाइनिंग ट्रेंडी में है, काफ़ी अच्छा लगता है, यूज़ करते हैं हम अपनी कुर्तियों में, नेक डिज़ाइन में या फिर स्लीव डिज़ाइन में। तो ये देखिए, एक बाजू के लिए मैंने दो इस तरीके के सेम बना लिए, सेम ही सर्कल टाइप में, और इस तरीके से ये बीच में पहले जॉइंट कर देंगे। यहाँ पर सिलाई को अच्छे से कंप्लीट करके पक्का कर लेंगे। दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं आपको। और यहाँ पे इस तरीके से एक फोल्ड दे देंगे, फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। और फिर ये जो हमने डोरिया वही वाली बनाई थी, वो हमारी कुछ बची हुई हैं, वहाँ पर इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हाफ इंच के गैप पर लगाते हुए अपने डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, दोस्तों मेरी वीडियो में अगर कोई कमी है, जैसे क्लियर नहीं दिखती आपको, या मेरी वॉइस क्लियर समझ नहीं आती, या फिर कोई भी और वीडियो से रिलेटेड चीज़ है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आप इस चीज़ को अच्छा कीजिए, तो हमें और अच्छा समझ आएगा इस तरीके से। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो ये देखिए, बाजू को भी हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिया था, और यहाँ पर लेस लगा लेंगे, अपने लेस का यूज़ करेंगे हम। ये डिज़ाइन काफ़ी सिंपल है दोस्तों, लेकिन दिखने में काफ़ी प्रिटी, और ये लेटेस्ट डिज़ाइन भी है, बहुत प्यारा डिज़ाइन है ये हमारा। ये देखिए इस तरीके से, अब इस पर सेट कर दिया हमने, वो मैं स्टेप भूल गई दोस्तों। तो चलिए, ये कम्प्लीट हो गया है इसे जॉइंट करके। ये देखिए, ये हमारा बाजू का डिज़ाइन कम्प्लीट, कितना प्यारा सा लुक आया दोस्तों हमारे। ये ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो पसंद आए वीडियो का नेक और स्लीव डिज़ाइन। तो और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।